आज बनाएंगे बच्चों के फेवरेट फिंगर पोटैटो चिप्स। देखिए बहुत करारे होते हैं खाने में, बहुत क्रिस्पी होते हैं और एकदम मतलब मुंह में घुल जाने वाले होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो आज चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाएंगे। देखिए बिल्कुल करारापन, देखिए यूँ ही टूट जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने दो आलू लिए हैं, आलू को अच्छे से छील लिया और वॉश कर लिया है। तो अब इनको क्या करेंगे, पानी लेंगे और पानी के ऊपर रखेंगे हम चिप्स काटने वाली जो मशीन होती है बारीक वाली, उसको ले लेंगे। तो आलू को हम जिधर से चपटा टाइप होता है ना, उधर से हम आलू को इसको चिप्स के रूप में काट लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे, अभी देख लेंगे कितने बारीक रखने हैं चिप्स। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं, अभी देख लेते हैं। बिल्कुल पारदर्शी चिप्स हैं, देखिए तो इतने ही हमें बारीक रखने हैं चिप्स को, तभी ये अच्छे बनेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, करारे बनेंगे। तो बस अब इनको हमने 4-5 बार धुल लिया था, मतलब जो आलू में स्टार्च होता है उसको अच्छे से धुल लिया और इनको निकाल दिया। अब क्या करेंगे, एक ले लेंगे हम चकला या जो चॉपिंग बोर्ड है उसको ले लेंगे। तो इन चिप्सों को सभी को फैला लेंगे इस तरह। मैंने पूरे चॉपिंग बोर्ड पर ये आलुओं को फैला लिया है चिप्स को। अब इनका क्या करेंगे, हम पानी सुखाएंगे। पानी सुखाने के लिए मैंने टिश्यू पेपर लिया है, आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, मतलब कुल मिला के इनका पानी सुखाना है, पानी नहीं रहना चाहिए तभी ये करारे बनेंगे। तो देखिए पानी हमने सुखा दिया है पूरी तरह से, तो बस ये परफेक्ट हमारे चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको क्या करेंगे, और करारा बनाने के लिए और क्रिस्पी बने तो उनके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक डाल लिया है, जिसमें इसमें नमक का भी फ्लेवर आ जाए, बिल्कुल भी फीके ना लगे। तो अंदर जो रहेंगे ना फीके नहीं लगेंगे इस तरह से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक का यूज किया है। तो अब इसको क्या करेंगे, एक चाय छनने वाली छन्नी ले लेंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर को पलट लेंगे और इस तरह से इस पर सभी चिप्सों पर हम इस तरह से डाल लेंगे कॉर्नफ्लोर के लिए। इससे क्या होगा, कॉर्नफ्लोर डालने से एकदम ये करारे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको ज़रूर डालें, ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे इतने करारे नहीं बनेंगे, वाइट पन भी नहीं रहेगा। तो देखिए हमने डाल लिया है। अब क्या करेंगे, एक चिप्स को उठाएंगे और एक चिप्स को जो कॉर्नफ्लोर डाला है उसको अंदर रखेंगे और इस तरह से हम मोड़ते हुए इसको फिंगर बना के तैयार कर लेंगे इस तरह से। और एक ट्विक पिन लेंगे और ट्विक पिन में ऐसे हम लगा देंगे, जो हमारा साइड में किनारा होगा बिल्कुल उसको पकड़ते हुए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। दूसरा भी देख लेते हैं इसी तरह से, देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे, कोई भी झंझट नहीं है, एकदम बन के हमारे ये तैयार हो जाते हैं। तो देखिए ये बन गए हैं ऐसे, देखिए अभी दूसरा देख लेते हैं। बनाना कितना आसान और खाना उतना ही टेस्टी है जितने ये बनाने आसान है। तो ये कुल 5 मिनट में हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैंने दूसरा भी बना के तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से मोड़ते हुए हम सभी फिंगर चिप्स को इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। इनको टिफिन में डाल डाल के सभी को हम बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। 2 आलुओं में बहुत ज़्यादा बन के तैयार होंगे, अभी दिखाऊंगी मैं कितने प्लेट भर के भी ज़्यादा बनेंगे। तो इस तरह से मैंने ये थोड़े से बना के तैयार किए हैं, अभी और बना लेते हैं। तो देखिए एकदम प्लेट भर के बनेंगे, देखिए एकदम मेरी प्लेट भर गई है, बहुत सारे बन जाते हैं 2 आलुओं में। तो अब चल लेते हैं गैस की तरफ। गैस में मैंने ऑयल पहले ही गर्म कर लिया था और इसमें गर्म ऑयल को हम ना थोड़ा हाई फ्लेम पे ही गर्म करेंगे, बिल्कुल अच्छे से गर्म हो तभी हम इनको डालेंगे। तो इस तरह से एक एक करके मैंने सभी को डाल दिया है। अब इनको हम बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे करारे होने तक। पलट लेते हैं तो उलटते पलटते हम इनको फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल वाइट रखना है। तो इस तरह से देखिए अभी देखेंगे किस तरह से इनको निकाल लेंगे। देखिए वाह हमारा हो गए फ्राई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे। तो इतने ही फ्राई करने हैं, ज़्यादा रेडिश नहीं करने हैं, तो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हम सभी पोटैटो फिंगर को इनको तैयार कर लेते हैं सेक के। नहीं वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, अभी से मुँह में पानी आ रहा है। तो देखिए हमारे ये सभी सिक्के तैयार हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसमें मसाला डालने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर से भी टेस्टी लगे, तो उनके लिए मैंने चाट मसाला लिया और चाट मसाले में थोड़ा सा नमक डाल लिया और इनको ऊपर से छिड़क दिया। और थोड़ी सी लेंगे हम कस्तूरी मेथी, इसको बारीक करके हमने हाथ से रगड़ लिया था, थोड़े से डालेंगे तो इसका फ्लेवर भी आ जाएगा, देखने में भी अच्छे लगेंगे,
खाने में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अभी देख लेते हैं इनका करारापन। अभी मैं प्लेट में पलटूंगी, देखिए कितने करारे हैं, डालने से ही पता कर देंगे कितने करारे हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, और मेरे वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक।